आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। एक चतुर्भुज की रचना जब दो आसन्न भुजाएं और तीन कोणों की माप दी हो। आज हम ऐसे चतुर्भुज की रचना पर आधारित उदाहरण देखेंगे जिसमें चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं तथा तीन कोणों के माप दिए गए हों। अवनी एक रंगोली बना रही है। वो रंगोली में एक चतुर्भुज आकार की आकृति पी क्यू आर एस बनाना चाहती है जिसमें भुजाएं पी क्यू और क्यू आर क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं, तथा कोणों पी क्यू आर का मान क्रमशः 110 डिग्री 120 डिग्री और 90 डिग्री हो। क्या आप चतुर्भुज पी क्यू आर एस बनाने में अवनी की सहायता कर सकते हैं? हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। यहां दिए गए तीनों कोणों का योगफल 360 डिग्री से कम है, जिसकी मदद से हम चतुर्भुज के चौथे कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं, जिससे चतुर्भुज का निर्माण संभव हो जाता है। तो आइए सबसे पहले एक कच्ची आकृति का निर्माण करते हैं। हम किसी भी भुजा से शुरुआत कर सकते हैं। मान लीजिए हम भुजा QR बराबर 3 सेंटीमीटर बनाते हैं। बिंदु Q पर कोण LQR बराबर 120 डिग्री बनाइए। Q को केंद्र मानते हुए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक चाप QL की ओर खींचिए। चाप और QL के प्रतिच्छेद बिंदु को P से नामांकित कर दें। PQ बराबर 4 सेंटीमीटर। अब बिंदु P पर कोण MPQ बराबर 110 डिग्री बनाइए। तो क्या आप बता सकते हैं कि अगला चरण क्या होगा? बिल्कुल सही। अगले चरण में हम बिंदु R पर कोण QRN बराबर 90 डिग्री बनाएंगे। RN और PM के प्रतिच्छेद बिंदु को S नामांकित कर दें। इस प्रकार हमने चतुर्भुज PQRS बनाया है। आज हमने उदाहरण की मदद से एक चतुर्भुज की रचना समझी।